आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार ब्रेड टोकरी चाट। ये मिनटों में इतनी बढ़िया तरीके से बन जाती है कि ना तो आपको मैदे का डो गूंदने की ज़रूरत है और ना ही आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये डो की शीट हमारी पतली बनेगी या मोटी बनेगी। तो मिनटों में ही आप ब्रेड टोकरी चाट का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड टोकरी चाट। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है। अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे अच्छी तरह बेलने के बाद आप कोई भी कटोरी या आपके पास कोई सांचा है मफिन्स बनाने का, आप वो ले लीजिए और इसको आप इसमें आराम से एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए, और इसमें से आप एक्स्ट्रा जो भी ब्रेड है आप उसे निकाल लीजिए और ये आपकी कटोरी में जो ब्रेड है वो सेट हो गई है। देखिए, मैंने चार स्लाइसेस लिए हैं और मैंने सारी कटोरियों में इन ब्रेड स्लाइसेस को सेट कर दिया है। अब हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और हाथ को थोड़ा सा गीला कर कर के और हम हल्का हल्का सा ब्रेड पे लगाते जाएंगे ताकि जो ब्रेड है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और प्रॉपर कटोरी की शेप में आ जाए। और अब हम इन जो ब्रेड हैं, ये जो जिन्हें हमने कटोरी की शेप दी है, इसे सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम मज़ेदार कटोरी चाट बनाएंगे। देखिए, आधा घंटा हो गया है और ये ब्रेड अच्छी तरह कटोरी में सेट हो गई है। अब हम इसे एक पोनी में ऐसे डालकर, और मेरा घी गरम हो गया है, अब हम इसे आराम से धीरे धीरे इसको आराम आराम से इसमें घी डालते जाएंगे और इसे धीरे धीरे को धीरे 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 फ्राई। ये देखिए, हल्का हल्का सा इसको टर्न करते जाएंगे और इसको आराम से धीरे धीरे फ्राई करते जाएंगे। 2 से 4 मिनट हमें लगेंगे और हमारी टोकरी बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि हमें कोई भी मैदे का डो गूंदने की ज़रूरत नहीं है और इजीली हमारी ब्रेड टोकरी चाट बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी ब्रेड टोकरी बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसे कटोरी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें से ये टोकरी निकाल लेंगे और ऐसे करके इसका सारा ऑयल बाहर निकाल लीजिए और इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए।
ऐसे ही बाकी सारी टोकरी को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारी ब्रेड टोकरी बढ़िया तरीके से फ्राई होकर निकल गई है। चलिए अब हम इसमें जो हमने स्टफिंग करनी है उसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बॉयल चने लिए हैं, इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। बॉयल चने डालने के बाद मैं थोड़े से बॉयल्ड आलू लेती हूँ, इसे भी डाल देते हैं। बॉयल्ड आलू डालने के बाद थोड़े से प्याज बारीक कटे हुए, एक छोटी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से पनीर के बारीक टुकड़े, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी गुड़ इमली वाली चटनी, एक से दो चम्मच, साथ ही इसमें अब मैं हरी धनिए की चटनी, इसे भी डाल देते हैं। इसे डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम इस टोकरी में इसे सेट करते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच दही, दही के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुना, अब हम इसमें एक चम्मच दही, दही के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला, इसे हम एक साइड पे रख लेते हैं। चाट मसाले के बाद हम थोड़ी सी सेव, इसके बाद हम थोड़े से चुकंदर के टुकड़े, जरा सा हरा धनिया और साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश कीजिए। ये देखिए हमारी बढ़िया मज़ेदार टोकरी, ब्रेड टोकरी बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गुड़ इमली वाली चटनी भी डाल रही हूँ और ये हरी चटनी भी डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारी मिनटों में ब्रेड टोकरी चाट बनकर तैयार है। चलिए मज़ेदार चाट का मज़ा ले